फैसल जानता है कि सुशांत का मर्डर कौन है, तो भाई ये कितनी गलत बात है। ये सोशल मीडिया वाले, प्रेस वाले, मीडिया प्लीज बी मोर रिस्पॉन्सिबल। नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की। बता दें, सुशांत सिंह राजपूत के लिए लगातार उनके फैंस इंसाफ की मांग कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत का निधन 14 जून साल 2020 को हुआ था। उनके निधन की गुत्थी निधन के 2.5 साल के बाद भी सुलझ नहीं पाई है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई, ईडी और एनसीबी जैसी बड़ी जांच एजेंसियां भी हाथ खड़े कर चुकी हैं। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस लगातार उनके लिए इंसाफ की मांग कर रही हैं, लेकिन अब वो उम्मीद टूटती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत के केस में मुंबई पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी थी। जी हां, आपको बता दें कि इस केस में मुख्य आरोपी कहे या फिर ड्रग पेडलर, जिसकी ट्रैक लोकेशन की थी मुंबई पुलिस ने, और उसे जल्द से जल्द इंडिया लाने की भी कोशिश हो रही थी। इस बीच बॉलीवुड एक्टर फैजल खान का नाम सुशांत सिंह राजपूत को लेकर जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिरकार क्यों सुशांत सिंह राजपूत के केस में फैजल खान फंस रहे हैं, क्या है ये पूरा मामला, आप उन्हीं के मुंह से सुन लीजिए कि किस तरह से वो बता रहे हैं कि आखिरकार क्यों सुशांत सिंह राजपूत के केस से उनका क्या है कनेक्शन। हेलो फ्रेंड्स, कल जो एक बात अधूरी रह गई थी मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट में, वो आज मैं कंप्लीट करने आया हूँ। कुछ मीडिया वाले कह रहे हैं कि फैसल जानता है कि सुशांत का मर्डरर कौन है, तो भाई ये कितनी गलत बात है। ये सोशल मीडिया वाले, प्रेस वाले, मीडिया प्लीज बी मोर रिस्पॉन्सिबल। भाई मुझे फोटो देख कर ऐसे लगा कि उसका मर्डर हुआ था, और उस वक्त ये मेरा विचार है, ये मेरा मानना है, मेरी सोच है ना। तो प्लीज ऐसा मत खिलाइए कि फैसल जानता है कि मर्डर कौन है, और ये सब गलत सलत बातें मत खिलाइए। प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। और ऐसी बातों से, मीडिया की जो बातें हैं उससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती है लोगों के बीच, इंडस्ट्री के बीच, तो ये सब से मैं दूर रहता हूँ। मैं ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी में नहीं रहना चाहता, है ना। तो प्लीज मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है सब यूट्यूबर्स से, सोशल मीडिया से, प्रेस से, मीडिया से, कि प्लीज रिस्पॉन्सिबल बनिए। और मेरी फोटो छाप कर आप लोग गलत गलत कमेंट्री देते हैं, न्यूज फैलाते हैं, तो सही बात नहीं। और किसी के लिए भी मत फैलाइए, मेरे लिए और किसी के लिए, है ना। अगर जैसे मैं आपके बोल रहा हूँ इंटरव्यू में, तो वो आप लोग बात माने, मेरी कोई रिक्वेस्ट नहीं। थैंक यू। तो देखा आपने, लगातार सुशांत सिंह राजपूत के केस में फैजल खान का नाम इसलिए जुड़ रहा था कि ये दावा किया जा रहा था कि फैजल खान जानते हैं कि आखिरकार कौन है सुशांत सिंह राजपूत का असली मुजरिम। हालांकि ये बात पूरी तरह से झूठ निकली। खुद फैजल खान को अब सामने आकर ये सफाई देनी पड़ी कि उन्हें सुशांत सिंह राजपूत के केस में कुछ नहीं पता कि आखिरकार कौन है असली मुजरिम। लेकिन लगातार फैजल खान को लेकर ऐसी अफवाहें फैल रही है कि उन्होंने ये दावा किया है कि वो जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ साजिश रचने वाला असली आरोपी कौन है। लेकिन इस बीच एक बार फिर से फैंस को उम्मीद यहां पर दिख रही है कि शायद जल्द ही एक्टर को इंसाफ मिल पाएगा। लेकिन क्या लगता है कि अगर ईडी, सीबीआई और एनसीबी जैसी जांच एजेंसियां भी अगर हार मान जाए, तो क्या परिवार और फैंस को ये उम्मीद रखनी चाहिए कि सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलेगा, या सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलने के लिए फैंस को और कितना इंतजार करना पड़ेगा। इसके साथ इस केस में मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती अपनी नॉर्मल लाइफ जीती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से वो इस वक्त इन दिनों स्पॉट की जाती है कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन का उन्हें खासा दुख है, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइफ। नमस्कार।